कभी बिजली की किल्लत झेलने वाला बिहार अब सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले 2 सालों से बिहार के पीक डिमांड के मुकाबले बिजली की उपलब्धता काफी बेहतर हो चुकी है। बिजली कंपनियों के एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2024 तक बिहार के पास पीक डिमांड से करीब 30% अधिक यानी कि 1,284 मेगावाट सरप्लस बिजली उपलब्ध होगी। ऐसे में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपलब्ध बिजली के प्रबंधन को लेकर कार्य योजना तैयार की है। आपूर्ति कंपनियां सर्दियों में उपयोग के बाद बनी बिजली को बेचने और गर्मियों में पीक आवर के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है। बिजली कंपनी ने साल 2022-23 में पीक डिमांड से 510 मेगावाट, साल 2023-24 में 1380 मेगावाट और 2024-25 में 1284 मेगावाट अधिक बिजली की उपलब्धता रहने का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए गर्मियों में भी उपलब्धता के लिहाज से बिजली की किल्लत नहीं होगी। गर्मियों में आमतौर पर पीक आवर यानी कि शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजली की बहुत अधिक डिमांड होती है। ऐसे में उक्त अवधि के दौरान मांग के अनुसार पर्याप्त बिजली की उपलब्धता रखने पर काम किया जा रहा है। बारिश के मौसम के बाद सर्दियों में बिजली की मांग पीक डिमांड के मुकाबले आधी रह जाती है, क्योंकि कंपनी का उत्पादन इकाइयों से बिजली का कोटा निर्धारित होता है। इसी वजह से वो इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में आपूर्ति कंपनियां उपयोग के बाद बची हुई बिजली को ट्रांसमिशन के जरिए खुले बाजार में बेचने की योजना पर काम कर रही है। इससे उन्हें सरप्लस बिजली नहीं लेने पर उत्पादन इकाइयों को बेवजह फिक्स चार्ज का भुगतान करने से राहत मिलेगी ही, अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का मौका भी इन्हें मिलेगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।